हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो जैसे आपको सुबह कहा था, ऑल डिक्लाइंस, ऑल डिप्स विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। और मिड कैप में देखिए कितनी जोर से मार्केट में पकड़ आई है। साथ में पीएसयू, सर आपको अपडेट दे दूं, पीएफसी, आरईसी, ओएनजीसी, बीएल और कुछ पीएसयू बैंक, मैं बहुत जोर से आपके यहाँ 3 महीने से कह रहा हूँ, दे आर ऑल अप टू 4 मंथ हाइज, अनक्वेश्चनेबली आउट परफॉर्मेंस। इस समय क्वालिटी लेनी है तो मैं 2-3 नाम आपको सजेस्ट कर रहा हूँ जो मेरे हिसाब से इस संवत में, अगले संवत में आउट परफॉर्म होंगे, दे आर क्वालिटी स्टॉक्स। तो आप कहें तो मैं शुरू करूं सर? हम वेट कर रहे हैं, बताइए। तो सर पहले मैंने आपको जैसे कहा था, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में शॉर्टेज है, हैवल्स इज हिटिंग न्यू हाइस, नाउ इट इज द टाइम ऑफ वोल्टास। और वोल्टास का 25% बिजनेस इंजीनियरिंग टावर और इंजीनियरिंग कूलिंग से आता है इन मिडल ईस्ट, और वहां पे बहुत स्ट्रांग योर ऑयल में रिबाउंड है एंड आई एम वेरी बुलिश। तो इट्स एन इंटरनेशनल प्ले, 756-58 में लीजिए, 742 का स्टॉप लॉस, 800 का मिनिमम टारगेट, 825 रुपए आपको दिख जाने चाहिए वोल्टास में। दूसरा पिक होएगा मारुति, जो मैं आपके यहाँ कल भी बोला, आज सुबह भी बोला, अनक्वेश्चनेबली देर इज अ वेटिंग पीरियड और मैं आपको बता नहीं सकता क्या सेल्स है। तो 68.15 to 68.30 में लीजिए, 6710 का स्टॉप लॉस, 7200 का टारगेट। और तीसरा पिक होएगा जो मुझे लगता है नेक्स्ट वीक बहुत स्ट्रांग आपको आउट एक डिस्क्लोजर से आएगा, ऑन सन फार्मा। मैनेजमेंट हैज बीन बाइंग दैट शेयर, 508.9 का भाव है, 498 का स्टॉप लॉस रखिए, 575 का टारगेट। तो ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट अबव 555। चलिए, 555 यानी कि नेल्सन आपको देखेगा वापस सनफार्मा के प्राइस में, ये आपको भसीन साहब बताते हुए दिख रहे हैं। संवत का इस साल का आखिरी ट्रेडिंग दिन है और भसीन साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।